रोहिणी क्या हुआ? अबे रोहिणी कहाँ चली गई अभी? मुंबई वाली? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? नाम क्या है? रोहिणी। क्या हुआ, रो क्यों रही है? रोहिणी रोने के लिए बनी है? अच्छा फिर रोहिणी, डॉक्टर क्या कहते हैं तेरे बारे में? डिप्रेशन में है? रोहिणी कोई पता नहीं, रोहिणी क्यों डिप्रेशन में है? रोहिणी डॉक्टर ये कहते हैं, डिप्रेशन तो नहीं है, तो एक बात है, डॉक्टर तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मूल का तो मनु भैया के यहाँ के पता चलता है। खुश रहो। दर्द कहाँ है रोहिणी? सर में दर्द रहते हैं रोजाना? आंखों में देखो के मैं चलो हल्का हो गया शरीर, अब तो रोने का मन नहीं कर रहा। नहीं। क्या किया हुआ तुमने पढ़ाई में? ये रोहिणी ने मेरे को किताब में लिखा हुआ बताया था पिछली बार। हाँ। और बड़े उसके वेग के साथ बताया था कि भैया पिशाच उन्माद प्रेत उन्माद होता है। हाँ। ये चरक संहिता में लिखा है। तो आपने वो किताब भेजी थी मेरे को ऑनलाइन? किताब नहीं भेजी थी मैंने, आपको पीडीएफ भेजी थी, कुछ पिक्स भेजे थे, जो बुक्स में कई वर्णन है ना। हाँ। फर्स्ट ईयर के बुक्स में वर्णन है, सेकंड ईयर के बुक्स में वर्णन है। हाँ। तो चरक संहिता का दूसरा भाग हमारे पास रखा है, वो कौन सी ईयर का है? चरक से एक्चुअली पूरे ग्रंथ होते हैं। हाँ। तो उनमें से कुछ पार्ट्स निकाल के हमारे सिलेबस में डाले जाते हैं। अच्छा। पूरे के पूरे ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते। अच्छा। तो कुछ पार्ट्स निकाल के सिलेबस वाइज हमें पढ़ाते हैं। अच्छा। मतलब चरक संहिता का वर्णन हमारे फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी है। तो अब आयुर्वेद के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद दुनिया की सबसे बड़ी मुख्य धारा है। कौन सी धारा है? मुख्य धारा। आपके पास कोई भी मरीज आता है, आप सबसे पहले उससे आंख बंद करा के ओम नमः शिवाय का जाप कराइए। हाँ, क्या कराएंगे? क्या कराएंगे? ओम नमः शिवाय का जाप कराएंगे। आंखें बंद करके उसको एक स्ट्रेट दशा में बैठाइए, फिर ओम नमः शिवाय का जाप कराइए। जैसे अभी इनको झटका लगा, तब आप बताइए क्या कहते हैं, उस आदमी से पूछिए कि आपको क्या महसूस हुआ। उसके कंधे भारी हो रहे हैं, कंधों के वजन है, ठीक है, उसका सर भारी हो गया, जहाँ उसको दर्द होता था वहाँ उसका दर्द बढ़ गया, या रोने की स्थिति में आ गई, या उस पे दबाव पड़ गया, या फिर हल्की हो गई बिल्कुल, उसके रोग खत्म हो गए, उसको महसूस हुआ, तो इसका मतलब उसको दोष है, प्रेत दोष है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो अपना इलाज चालू कर दीजिए, तभी वो आपसे आराम पाएगा, वरना वो आपसे आराम नहीं पाएगा। रोहिणी आप जब गए थे तब में और अब में शनिधाम में बहुत अंतर आया। ये अब मैंने थोड़ा कसम भी खा लिया कि मैं लोगों को दोनों चीजें, दोनों टॉपिक देता हूँ, आध्यात्मिक टॉपिक भी सवेरे देता हूँ, उनकी खुराक भी पूरी करता हूँ, और भगवान से तो जोड़ते ही उनको शुरू से ही, लेकिन साथ में उनको प्रेत बाधा के बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में संसार बताता नहीं है। आगे ना सब भूत विद्या क्या है? भूत विद्या ये है कि आपको सब भूतों के अंदर एनर्जी फील करा देना, ये भूत विद्या है। हम सब भूत हैं। क्या है? हम सब भूत हैं। और भगवान हमारे नाथ हैं, भूतेश्वर नाथ हैं, इसलिए उनको भूतेश बोलते हैं, ठीक है। हम सब भूतों में पांच तत्व महान है, जल पृथ्वी वायु अग्नि और आकाश। कौन है? जल पृथ्वी वायु अग्नि और आकाश, इसलिए हम सब भूत हैं। प्रेत अलग चीज होती है, प्रेत निकृष्ट योनि होती है, भूत निकृष्ट योनि नहीं होती। भूत योनि मानव योनि होती है, प्राणियों की योनि होती है, वह निकृष्ट नहीं।